हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आज का वीडियो जो है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है हर किसी को इसके बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग, माई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। तो मैं ऑनलाइन से काफ़ी शॉपिंग करती हूँ, एंड हम में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। दुकान जाने से बेहतर है घर बैठ के शॉपिंग करो, डिस्काउंट भी पाओ। इसलिए तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। स्पेसिफिकली मेरा रिव्यू का चैनल है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन से मैं खरीदती भी हूँ टू रिव्यू दोज प्रोडक्ट्स ऑन माई चैनल। कुछ दिन पहले मैंने स्नैपडील से ऐसे ही दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे ताकि मैं उसे यूज़ करूँ और रिव्यू करूँ मेरे चैनल पे। तो वो चीज़ें तो मुझे रिसीव हो गई थी, दो प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे। उसके साथ साथ मैंने दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, मुझे दो मैसेजेस मिले। आई पुट स्क्रीन शॉट्स ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन हैव अ लुक के ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं अगर आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, सो दैट यू कैन बी अवेयर ऑफ देम। तो क्या हुआ कि ये दो मैसेजेस मुझे आए कि आपने ये शॉपिंग करी है तो आपको इसमें प्राइस मिला है। प्राइस क्या है कि मुझे गाड़ी मिली है, एक है 12,50,000 का, एक है 12,60,000 का। उसके लिए, इन दोनों गाड़ी को पाने के लिए मुझे एक रजिस्ट्रेशन फीस भरना होगा, फिर एक कॉल भी आता है। कॉल में मुझे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गाड़ी नहीं भी चाहते हो, यू कैन गेट द प्राइस मनी, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरना है और ये वो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये सब बोल देते हैं। नाउ आई हैड दिस थिंग इन माइंड के कोई आज के दिन में फ्री में बिस्किट भी नहीं देता, तो क्यों कोई गाड़ी क्यों दे देगा, ऐसा तो मुझे लग रहा था। एंड आई हैड डाउट इन माई माइंड। तो जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा कि देखिए मुझे आधा घंटा टाइम दीजिए, आई नीड टू थिंक ऑफ इट। और जब भी उन्होंने फ़ोन काटा, उसके बाद आई वेंट ऑनलाइन, मैंने सर्च किया इसके बारे में। मुझे ऐसे ही कुछ वीडियोस भी मिले और कुछ लाइक ऑनलाइन साइट्स पे मिले, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में एक फ्रॉड कॉल था। यस, ऐसे फ्रॉड कॉल्स आ सकते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उन लोगों को आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ वहीं से पता चल जाता है, एंड दे माइट कॉल यू। तो इसके बाद वहां से कॉल आया नहीं, मैंने कॉल ऑफकोर्स किया नहीं क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि फ्रॉड है। तो इन फर्दर जो दूसरा जो मुझे मैसेज मिला था, वो वाला भी कॉल तो आया था, मैंने पहली बार में कह दिया कि नहीं भैया मुझे कोई प्राइस नहीं चाहिए, आप किसी और को दे दीजिए। सो इसलिए वो बात वहाँ पे बढ़ा नहीं, सो आई डोंट हैव द कॉल रिकॉर्ड्स। लेकिन जो दो मैसेजेस हैं, आप उन्हें ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैसेज जहाँ से आता है तो आपको लगेगा कि ये बिलीवेबल है, कि शायद वहीं से वही ई कॉमर्स वेबसाइट से शायद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो चीटर्स हैं वो लोग ऐसे ही जगह से भेजते हैं मैसेज कि हम लोगों को सचमुच के मैसेज लगे। कोई स्नैपडील या फ्लिपकार्ट ऐसे ही आपको कोई जैकपॉट में गाड़ी दे देंगे, आपने कोई कॉन्टेस्ट में खेला भी नहीं ऐसे ही दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी ऐसा कॉल या मैसेज आए, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। सो होपफुली आप ये मैसेज दूसरों में भी स्प्रेड कर देंगे, एंड इट विल बी अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू एज वेल। सो आई विल बी बैक वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइब्ड। बाय।